ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि कुछ वाइफ्स को डाइवोर्स के बारे में गलत फहमी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब हम सबके लिए बात नहीं कर रहे, कुछ के लिए। काफ़ी एजुकेटेड भी होते हैं, उन्हें पता है, लेकिन कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, वो थोड़े झांसे में आ जाते हैं किसी होशियार पर्सन के, तो वो क्या करती है, उनके झांसे में आके डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है बिकॉज लंबी प्रोसीडिंग चलती हैं और फिर उन्हें रियलिटी पता चलता है। तो सबसे पहले ही मिस्टेक और जो गलत फहमी है वो ये होती है कि भाई आप कितना भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मनचाहा मेंटेनेंस नहीं ले सकते। यानी कि सपोज जो हस्बैंड की सैलरी है उसका आप 1/3 तक ही मेंटेनेंस ले सकते हो। अब मेंटेनेंस लेना कोई आम बात नहीं है, वो भी काफ़ी केस के फैक्ट्स देखता है, को तब जाके आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराता है। केस के फैक्ट्स यानी कि वो देखता है हस्बैंड की जो इनकम है या नहीं, हस्बैंड अर्न करने के लिए कैपेबल है या नहीं, सारा कुछ। अब कुछ वाइफ क्या करती हैं कि अर्निंग भी करती हैं और मेंटेनेंस का केस भी डाल देती है। अब होता क्या है, अर्निंग का उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो मेंटेनेंस का केस डाल देती हैं, तो ऐसे में क्या है, आपके फंसने के चांस हैं। सपोज आप अर्न कर रहे हो, एक केस था उसमें क्या होता है, वाइफ ऑनलाइन अर्न करती है लेकिन हस्बैंड के पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता कि भाई वो अर्न करती है, तो बाद में पता चलता है वो ऑनलाइन पैसे कमाती है, तो ऐसे में उसका जो मेंटेनेंस है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है, उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है ये है कि पत्नियां सोचती हैं कि भाई हमारी मर्जी के बिना पति हमसे डाइवोर्स ले ही नहीं सकता, तो इस वहम में ना रहें। अगर हस्बैंड ने कोई ग्राउंड पेश कर दिया, सपोज किसी ने केस डाला है डाइवोर्स का, किसी हस्बैंड ने, वाइफ ने, अब वाइफ को ये घमंड है कि वो मेरी बिना मर्जी के डाइवोर्स ले ही नहीं सकता, और हस्बैंड को पता है कि जो मेरी वाइफ है वो अडल्ट्री के चक्कर में है, यानी कि उसका कोई अफेयर है, एक्सटर्नल अफेयर है मैरिज से। तो अगर हस्बैंड प्रूफ कर देता है कि अब उसकी वाइफ का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, तो इस बेस पे कोर्ट हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री दे देगी। अब वाइफ कभी कभी सोचते हैं कि भाई बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारे साइन के हस्बैंड डाइवोर्स ही नहीं ले सकता, तो ये इनकी गलत फहमी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो प्रूफ करता है, ग्राउंड्स प्रूफ कर देता है, तो कोर्ट डाइवोर्स देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो डाइवोर्स दे देगा। सो जो फोर्थ मिथ है और जो मिस्टेक है, जो गलत फहमी है, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगते हैं, वाइफ सोचती है कि भाई अब डाइवोर्स का केस चल रहा है ब्ला ब्ला, तो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग डाइवोर्स वो दूसरी मैरिज परफॉर्म कर लेती है। तो आपको बता दें, अगर आप एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करती हैं तो आपको 494 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा। इसमें जो पनिशमेंट है वो अप टू 7 ईयर तक है, वो जनरली डिपेंड भी करता है कि केस के क्या फैक्ट्स हैं और क्या सिचुएशंस हैं, वो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको 7 ईयर की पनिशमेंट करे। तो आप ये गलत फहमियों में ना रहें। सो आई होप इट इज़ क्लियर।